के पोड़गांव मास बरस के ग्रामीणों ने पिछले 4-5 दिनों से चारगांव निको माइंस की लोह अयस्क के भारी वाहनों पर रोक लगा दी है, जिसकी सूचना कांकर कलेक्टर और अंतरगढ़ एसडीएम को भी दी गई, जिसके बाद अंतरगढ़ पुलिस प्रशासन ने मार्ग खोलने के लिए ग्रामीणों को निर्देश भी दिए थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम की अनुमति लेने के लिए अंतरगढ़ एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां एसडीएम की अनुपस्थिति होने के कारण प्रभारी तहसीलदार से अनुमति मांगी गई, जिसके बाद परमिशन न मिलने पर गुस्साए ग्रामीण ने खराब सड़क में गड्ढों के बीच प्रशासन के खिलाफ टायर कचरा जलाकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इस बारे में अंतरगढ़ तहसील का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते परमिशन नहीं दी गई है। जो आज का आपने प्रदर्शन के अंतरगढ़ में वो क्या था, किन मांगों को लेके थी? हमारा एक जो मांग है वो हमेशा से चलती आ रही है, 2014 से हम लोग इसका मांग कर रहे हैं। शासन प्रशासन के चक्कर लगाते लगाते हमारे चप्पल घिस गए, लेकिन अभी तक रोड का कहीं पता है न, कहीं शासन प्रशासन वहाँ देखने आते हैं, जायजा लेने आते हैं। बस हम ही लोग ग्रामीण लोग का मतलब एक प्रकार से यहाँ पर मतलब फर्ज बना है, जैसे कि हम ही लोग ठेका ले रखे हैं रोड का, हम ही लोग हमेशा इसके लिए आवाज़ उठाते आ रहे हैं। तो जी आज आप लोग ग्रामीणों के साथ में अंतरगढ़ जाना हुआ, तो किसी अधिकारी से ज्ञापन वापन या कोई आश्वासन? हाँ जी, हम लोग जब ग्रामीणों के साथ हम लोग गए तो वहाँ पे एसडीएम साहब तो नहीं थे, तो फिर हम लोगों ने तहसीलदार साहब से कांटेक्ट किए, फिर वो वहाँ आए और उन्होंने हमें मतलब कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया या कोई मतलब जवाब नहीं दिए जिससे कि हम लोग खुश हों या कोई हमारे मतलब पक्ष में हो। तो आगे की आपकी रूपरेखा क्या है ग्रामीणों के साथ में? हम लोग तो जब तक रोड नहीं बनेगा हम लोग ट्रक चलने नहीं देंगे। अच्छा, तो ऐसे शासन तरफ से कोई अनुमति है आपको? शासन ने तो साफ मना कर दिया कि अभी कोरोना काल में हम लोग अनुमति नहीं दे सकते करके, लेकिन हम लोग को पता है कि शासन सिर्फ प्रशासन के अधीन ही चलती है, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं जब राजनीति नेता जब कोई पार्टी या कुछ करते हैं फंक्शन, तो उसके लिए उन लोग को अनुमति मिल जाती है, लेकिन हम ग्रामीणों को क्यों नहीं मिलती? जी धन्यवाद। 2014 से ग्रामीणों की मांग थी कि जो निको जायसवाल की खदान से जो गाड़ियाँ निकलती है भारी वजनी वाहन, उस सड़क में बहुत बड़े 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 तालाब बन चुके हैं, रंगीन पानियों से भरा पड़ा है, जिसका आंदोलन आज से कुछ दिन पहले हमने प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले ग्रामीणों के साथ में किया, और सड़क मार्ग के निर्माण होने तक प्रति उस सड़क को बंद करने के लिए हमने अनुमति मांगी। इसका ज्ञापन हमने एसडीएम अंतरगढ़ व जिला कलेक्टर कांकेर केला चौहान को सौंपा, और आज दिनांक 14 तारीख को हमने अनुमति पत्र लेने के लिए ग्रामीणों के साथ में हम कार्यालय गए, लेकिन उनके तरफ से ऐसा ना कोई आश्वासन मिला ना ही अनुमति मिली कि हम न सड़क जाम करने की इस प्रकार से कोई अनुमति नहीं मिली। लेकिन इसके दूसरी तरफ जब राजनीतिक दलों को वो इस प्रकार से एकत्रित होने की अनुमति देते हैं, लेकिन हम जैसे ग्रामीणों को नहीं देते हैं। जिस प्रकार से अभी हाल फिलहाल में राजनीतिक कुछ दलों ने वहाँ पे कार्यक्रम किया तो उनको अनुमति है, यहाँ तक कि अनन्य को कुछ प्रकार से राजनीतिक पार्टियों को उन्होंने अनुमति दिया, लेकिन हम ग्रामीणों को सड़क की मांग को लेके चक्का जाम करने की अनुमति शासन प्रशासन तरफ से नहीं मिली। पूर्णगांव सड़क निर्माण के लिए जो इनका जो मांग है उसके लिए ज्ञापन दिए थे और कार्य नहीं होने तक इन्होंने चक्का जाम की अनुमति मांगी है, तो चक्का जाम करने की अनुमति नहीं दिया जा सकता क्योंकि अभी कोरोना संक्रमण फैला हुआ है और सभी देश भर में जिले भर में प्रदेश में कोरोना का संक्रमण है वो बढ़ता ही जा रहा है, उसको देखते हुए कोई भी धरना हड़ताल प्रदर्शन की अनुमति नहीं दिया जा सकता। इनके द्वारा ज्ञापन जो दिया गया है उनको हमने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, उनके द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उनसे हम इनको अवगत करा देंगे।